हेलो स्टूडेंट्स, देखिए रैंक कोरिलेशन में इसका रैंक कोरिलेशन जो निकालना है वो कंटिन्यूस में चल रहा है अपने, और इसका रैंक कोरिलेशन निकालते समय हमें ये मालूम चल गया कि ये 55 और 48 दो वैल्यूज ऐसी हैं जो रिपीट हो रही हैं। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए रैंक कोरिलेशन का क्वेश्चन है, लिखेंगे एक्स 53, 58, 55, 47, 55, 65, 36 and 44. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 8 वैल्यू दी हुई है। अब इनको रैंक देंगे R1 बोले। रैंक 1 सबसे हाईएस्ट क्या दिख रहा है आपको, उसमें हाईएस्ट दिख रहा है 65, तो इसको दे देंगे नंबर वन। उससे कम 65 से कम क्या दिख रहा है आपको, देखिए इसमें 58, उसको दे देंगे टू रैंक। अब 58 से कम है 55, लेकिन 55 जो है वो 55 जो है वो क्या है, दो जगह है, तो दो जगह सेम देना पड़ेगा फिर रैंक को, क्योंकि ऐसा तो नहीं हो सकता कि एक 55 को हम 3 दे दें और दूसरे 55 को 4 दे दें जबकि सेम वैल्यू है। तो 3 और 4 दोनों नहीं देकर और हम ये सोचेंगे कि यहाँ पर दो जगह है तो क्या मिलना चाहिए था, रैंक मिलना चाहिए था 3 और 4, ये रैंक मिलना चाहिए था, 3 और 4 मिलना चाहिए था। तो अब इन 3 और 4 को प्लस करके और डिवाइडेड बाई 2, जो इनको एक कॉमन अंक जो आएगा इनका वो आएगा 3.5। तो दोनों ही नाराज नहीं होंगे, दोनों ही वैल्यू सेम है तो दोनों ही नाराज नहीं होंगे, दोनों को देंगे 3.5 और 3.5। आगे बात समझ में आपको कि जब सेम वैल्यू होता है तो जो रैंक हमें देने होते हैं उनका एवरेज निकाल लेते हैं। तो 3 नंबर देना था, 4 नंबर देना था, उनका एवरेज ले लिया, 2 से डिवाइड कर दिया तो 3.5 आ गया, दोनों को 3.5 दे दिया। अब देखिए 4 रैंक तक का काम कंप्लीट हो चुका है, अब जिसको देंगे वो 5 रैंक देंगे। तो 55 के बाद आपको दिख रहा है 53, तो इसको दे देंगे 5। फिर 53 के बाद दिख रहा है 47, तो ये हो गया 6, फिर ये 7 और फिर ये 8। ये दे दिए हमने रैंक, हाईएस्ट वैल्यू को देते हुए और डिक्रीजिंग ट्रेंड में चले हैं, तो ये इस तरह हमने रैंक दिया। अब दीजिए वाई, वाई लिखते हैं 48, 56, 60, 48, 51, 62, 48, 46। अब इसको भी देंगे रैंक, इसको बोलेंगे R2। हाईएस्ट वैल्यू क्या दिख रहा है आपको इसमें, हाईएस्ट वैल्यू दिख रहा है 62, तो इसको दे देंगे नंबर 1। 62 के बाद 62, 60 के बाद में फिर आपको दिख रहा है 56, ये रहा 56, इसको देंगे 3। आफ्टर 56 51, इसको देंगे 4। 51 के बाद में देखिए क्या आता है, 48 आता है, और 48 जो है वो 1, 2, 3 जगह है 48, और हमें अगर नंबर देना होता तो क्या नंबर देते हैं, अभी हम इसको 5, 6 और 7, क्योंकि 48, 48, 48 तीन जगह है, 4 तक का काम अपना हो चुका है। अब जो देंगे वो 5, 6, 7, तो इन तीनों को जोड़ो और 3 से डिवाइड कर दो, क्या एवरेज देखो, वो जो एवरेज आएगा वैल्यू वो एवरेज जो रैंक होगी वो रैंक इनको दी जाएगी, तो इसकी एवरेज आएगी 6। तो सभी को 6 आ जाएगी ना, समझ में आ गई आपके, 5, 6 एंड 7, 18 डिवाइडेड बाई 3, तो 6। तो अब हम इसको भी 6 देंगे, इसको भी 48 को 6 और इस 48 को भी 6, और लेकिन अपना 7 तक का काम हो चुका है क्योंकि 5, 6, 7 जो देना था वो हो चुका है। अब जिसको देंगे वो 8। अब जो रैंक देने थे वो हो गए, वेरी सिंपल, बस एक एवरेज की बात है, अगर सेम वैल्यू हो तो उसको एवरेज, बाकी हम लेंगे डी और फिर डी का स्क्वायर करेंगे। डी मीन्स डिफरेंस बिटवीन R1 एंड R2, 5 में से 6 गया, मतलब इसका डिफरेंस ले लो डायरेक्ट, क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो प्लस माइनस जो भी आएंगे
उनका इफेक्ट डी स्क्वायर होते ही खत्म हो जाएगा, सारे ही प्लस में हो जाएंगे, क्योंकि यहाँ पर तो अगर कोई प्लस में होगा तो उसको उसी से गुणा करेंगे तो वो प्लस में होगा, और ए अगर माइनस में कोई वैल्यू होगा तो माइनस में मान लीजिए टू है, तो माइनस के टू को माइनस के टू से मल्टीप्लाई करेंगे तो अल्टीमेटली प्लस में ही होना है। तो यहाँ पर केवल डिफरेंस ले सकते हैं, माइनस प्लस आपकी मर्जी हो तो लिखो, नहीं मर्जी हो तो मत लिखो। 5-6 में डिफरेंस है 1 का, इसमें 1 का, इसमें है 1.5 का, इसमें 0, इसमें 0.5, इसमें 0, इसमें 2 और इसमें 1। आगे बात समझ में, देखिए इसमें डिफरेंस 1 का, इसमें 1 का, इसमें 1.5 का, इसमें 0 का, इसमें 0.5 का, इसमें 0 का, इसमें 2 का और इसमें 1 का। अब डी का स्क्वायर कर लें, 1.5 से मल्टीप्लाई करेंगे 2.25 0.25 0.4 1, इसको जोड़ेंगे 1 और 2 2 4 4 8 9 9.5, ये हो गया सिग्मा डी स्क्वायर। तो यहां पर इसको यूज कर अब इसका फॉर्मूला लिख लीजिए, देखो कि r इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m प्लस 1/12 m क्यूब माइनस m, दो बार आएगा क्योंकि दो वैल्यू रिपीट हुई। कौन सी एक तो कौन सी हुई थी, एक तो हुई थी इसमें 55, एक तो हुई थी 55 वैल्यू रिपीट, कितनी बार, दो बार, और एक हुई थी इसमें 48 दूसरी वैल्यू, वो कितनी बार हुई थी, तीन बार, क्योंकि 48 तीन बार थी, तो दो वैल्यू रिपीट हुई, तो जितनी वैल्यू रिपीट होती है उतनी बार ये बढ़ा दिया जाएगा। फिर यहाँ पर बड़ा ब्रैकेट लगाकर वही फॉर्मूला एन क्यू माइनस आर इज इक्वल टू 1 माइनस 6 सिग्मा डी स्क्वायर 9.5 प्लस 1/12 एम क्यू। अब आता है देखिए कि जो ये पहला वैल्यू जो रिपीट हुआ 55, हाउ मेनी टाइम्स रिपीट द वैल्यू, ओनली 2 टाइम्स, तो यहां पर आएगा 2 क्यूब माइनस 2 प्लस 1/12। फिर ये दूसरा वैल्यू जो रिपीट हुआ वो हाउ मेनी टाइम्स, 3 टाइम्स, देन 3 क्यूब माइनस 3 और ये बड़ा ब्रैकेट लगा देंगे डिवाइडेड बाय एन क्यूब माइनस एन, एन क्यूब की जगह अब एन की जगह आ जाएगा 8 क्यूब माइनस 8, क्योंकि देखिए ये कितनी है वैल्यू, एन कितना है 1 2 3 4 5 6 7 8, इसको सॉल्व करने के बाद 1 माइनस 6 9.5 प्लस 1/12, दो को तीन बार करेंगे 8 माइनस 2 तो हो जाएंगे 6 प्लस 1/12 और 3 को तीन बार गुणा करेंगे 27 में से 3 को माइनस कर देंगे तो 24, 8 गुणा 8 तीन बार करेंगे और फिर उसमें से 8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएगा ये 504 8 गुना 8 करके और उसमें से 512 होंगे वो, उसमें से 8 को माइनस कर देंगे तो आ जाएंगे ये 504। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, 1 माइनस 6 9.5 प्लस, अब देखिए इसको ये हो गया 1/2, 1/2 कहूं चाहे 0.5 कहूं एक ही बात है, प्लस 1/12 को इससे काट दिया ये हो गया 2, तो प्लस 2 कर दे डिवाइडेड बाय 504, 1 माइनस, अब यहां 6 रखें और यहां डायरेक्ट एक ब्रैकेट हटा दें और मल्टीप्लाई कर दें, ये 9.5 है, 0.5 कितना हो गया 10 और 2 12, तो ये हो गया डिवाइडेड बाय 504 और वी कैन सी दैट 1 माइनस 72 डिवाइडेड बाय 504
अब 72 में 504 से डिवाइड करिए, कैलकुलेटर अलाउड है एग्जाम में, आप कैलकुलेटर यूज कर सकते हैं। 72 में 504 का भाग लगाइए और डिवाइड करने के बाद जो फिगर आता है वो आएगा 0.1 माइनस आएगा 1 माइनस 0.143, इतना आएगा। 72 को डिवाइड करेंगे 504 से तो आएगा 0.143, तो इसमें से लेस कर दीजिए तो आएगा ये 0.857। ये क्या है, लिख देंगे हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन, क्योंकि 0.75 से ज़्यादा है और प्लस में है तो हाईली पॉजिटिव कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई। थैंक यू। इस तरह के क्वेश्चंस हैं आपकी बुक में, वो करिए आप प्रैक्टिस में।